ने कन्या पूजन किया और उस दिन कैसे हमने माता रानी का चमत्कार देखा और तरह से डर गई थी। पतिदेव बहुत हंस रहे थे मेरे ऊपर, वो आप लोग को आगे चल के पता चलेगा क्यों डरी थी मैं। हेलो फैमिली, स्वागत है आप लोग का पम्मी राजा फुर्सत के पल ब्लॉग्स में। और कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी की दुर्गा पूजा भी अच्छी बीती होगी, हमारी भी अच्छी रही। और फिर इस वीडियो में आप लोग देखिएगा कि जैसा मैंने आपको बताया था कि हैप्पी ने यानी मेरे बेटे ने 9 दिन का व्रत रखा था माँ दुर्गा का और 9वें दिन हम लोगों ने कन्या पूजन किया और उस दिन कैसे हमने माता रानी का चमत्कार देखा। और दूसरी बात कि फिर हम लोग अपने घर के जो नज़दीक है वहाँ पंडाल घूमने गए और एक पंडाल में मैं बुरी तरह से डर गई थी, बहुत बुरी तरह से डर गई थी। पतिदेव बहुत हंस रहे थे मेरे ऊपर, वो आप लोग को आगे चल के पता चलेगा क्यों डरी थी मैं। और फिर उसी दिन का एक अनुभव है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। उस दिन मैंने माता रानी का एकदम चमत्कार देखा, उनकी कृपा देखी कि 9वें दिन हमारे यहाँ 3 छोटी छोटी बच्चियाँ आ गई थी, आके बैठी हुई थी और 6 को बाकी 6 को और आना था लेकिन बहुत लेट हो गया। 9:30 बजे का समय हमने रखा था, 10:30 बज गया, 10:45 होने जा रहा था, बच्चियाँ आ नहीं रही थी। और ऐसे भी उस दिन सारी बच्चियाँ बिजी ही रहती हैं छोटी छोटी, 7 बजे से सब नहा के निकली थी अपने अपने घरों से। और जैसा कि हम लोग जानते हैं अधिकतर घरों में कन्या पूजन होता है उस दिन, तो सब कहीं ना कहीं जा ही रही थी। हम लोग इंतजार कर रहे थे, 10:45 हो गया, हैप्पी भी बैठा हुआ था पूजा करके बेचारा कि कन्या पूजन करें उसके बाद कुछ खाए पिए। फिर मैं अपने गेट पे खड़ी हो गई और मन ही मन माता रानी से प्रार्थना करने लगी, हे माता रानी जल्दी से जल्दी कन्याओं को भेज दीजिए, हमारा कन्या पूजन संपन्न हो अच्छी तरह से। और ऐसी मन ही मन में प्रार्थना कर रही थी कि देखा कि मेरे घर का जो चौराहा है ना इधर, उधर से छोटी छोटी ढेर सारी बच्चियां आ रही थी, सबके माथे पर तिलक लगा हुआ था, हाथ में प्रसाद प्रसाद भी था, सभी मेरे नजदीक आई। एक बड़ी सी बच्ची थी 9 साल की, तो उसने बोला आंटी कन्या पूजन के लिए हम लोग घूमते हैं, हम लोग यहीं सखुआ बागान में रहते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि उनकी मम्मी लोग हमारे जितना भी इधर क्वार्टर है ना सबके घरों में काम करती हैं, बता रही थी वो लोग कि हमारी मम्मी लोग इधर काम करने आती हैं और हम लोग हर साल आते हैं आंटी इस मोहल्ला में। मैंने कहा बेटा मुझे तो पता नहीं है क्योंकि पहली बार ही मैंने मतलब ये कन्या पूजन मैं यहाँ कर रही हूँ पहली बार, तो मुझे पता नहीं है। बोले आंटी आप निश्चिंत हो जाइए, अब हर साल हम लोग आएंगे हर साल इसी समय हम लोग आ जाएंगे। मैंने उसी समय माता रानी की जयकार लगाई कि जय माँ जय माता रानी, आपने कितनी कृपा दिखाई और अपना चमत्कार दिखाया। फिर सभी को लेके मैं अंदर आई और हम लोगों ने कन्या पूजन किया, तो आगे चल के आप लोग वीडियो में देखिएगा। और ये सच में बता रही हूँ, फिर से बोल रही हूँ, बहुत ही रोमांचक, बहुत ही अद्भुत मतलब ये अनुभव था मेरे लिए जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि कैसे मैंने प्रार्थना किया मन ही मन और माता रानी ने कैसे कितनी जल्दी मेरी प्रार्थना सुन ली। माता रानी ऐसे ही सभी पे अपनी कृपा रखें, सबकी प्रार्थना सुने। तो चलिए आगे वीडियो देखिए और जो प्लीज नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं, मैं और पिंकी जा रहे हैं पूजा पंडाल महानवमी का पूजा करने, माता रानी को भेंट चढ़ाने, जो भी साड़ी फल जो भी होता है आज हम लोग माता रानी को चढ़ाते हैं, तो वही सुबह सुबह हम लोग जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है 9:30 बजे हम लोग कन्या पूजन भी करेंगे, तो इसलिए हमने सोचा जल्दी से पूजा करके आ जाते हैं, फिर आके हम लोग जो भी बनाना है हम लोग को वो बनाएंगे। तो अभी जल्दी जल्दी हम लोग पूजा पंडाल जा रहे हैं, माँ पापा भी उठ चुके हैं और उठ के वो लोग अपना एक्सरसाइज कर चुके हैं। देखिए ये है हमारे घर के नज़दीक का पूजा पंडाल, ये मैं बाहर से आप लोग को दिखा रही हूँ, बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे, लेकिन अभी सुबह सुबह का समय है तो अभी उतनी भीड़ नहीं है।
तो माँ की पूजा करके हम लोग घर आ गए हैं और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और हम लोग अभी बनाएंगे भोग माँ का। पूरी, चना की सब्जी, हलवा और ये खीर बनेगा। और आज हैप्पी का भी व्रत पूरा हो गया है 9 दिन का, तो आज 9 कन्या को भी हम लोग खिलाएंगे। तो चलिए अभी चेंज कर लेते हैं और बनाते हैं भोग। चलिए जय माता दी। माँ उठ जाइए, भैरव बाबा भी उठ जाइए। चल बेटा, दुपट्टा ले लो, अपना दुपट्टा। आप लोग बैठिए। ए बाबू रुक जाइए, आप लोगों को प्रसाद दे देते हैं, रुक जाइए। तो अभी बज गए हैं 8:30 और मैं और पतिदेव जा रहे हैं अपने घर के नज़दीक के पंडाल घूमने। हमारे घर के पास एक मार्केट है, अभी हम लोग उसी मार्केट में आए हुए हैं। चलिए यहाँ का पूजा पंडाल देखते हैं। और देखिए यहाँ आइसक्रीम, समोसे मिल रहे हैं, गर्मा गर्म समोसा चाट बन रहा है, जलेबियाँ बन रही हैं, गर्मा गर्म सब मिल रहा है। और देखिए डोसा भी बन रहा है, तो जिसको जो खाना है वो यहाँ पे खाएंगे। यहाँ देखिए डोसा बन रहा है, इडली बन रहा है, सांभर वड़ा सब कुछ मिल रहा है। अभी हम पहुँचे हैं दूसरे पंडाल और यहाँ देखिए लाइटिंग में हमें माता रानी दिख रही हैं शेर पे सवार और नीचे कलश दिख रहा है। और
यहाँ देखिए पूजा पंडाल के बाहर छोटे छोटे बच्चों का डांस का भी प्रोग्राम हो रहा है। ढेर सारे गानों पे गणेश जी के भजन थे, दुर्गा माँ के भजन थे, सभी पे इन्होंने बहुत सुंदर डांस किया। लेकिन कॉपीराइट की वजह से मैं गाना बजा नहीं पा रही हूँ, लेकिन आप लोग देखिए बहुत अच्छा लगा हम लोग को यहाँ पे। एक से एक बढ़ के इन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया और कितनी संख्या में लोग हैं, देखिए कितना भीड़ है यहाँ पे। सभी को बहुत ही इंटरेस्ट था इनका डांस देखने में, सब हौसला बढ़ा रहे थे और इनका डांस देख रहे थे। हम लोग भी कुछ देर यहाँ पे रुके और इनका डांस देख के फिर हम लोग गए। देखिए यहाँ इस बच्ची को उसके पापा ने अपने कंधे पर बिठा के ये डांस प्रोग्राम दिखाया है, इसको नहीं दिख रहा था। अभी हम लोग जगन्नाथपुर मंदिर के पास एक पूजा पंडाल है वहाँ पहुँचे हैं और यहाँ देखिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। मैं और पतिदेव भी लाइन में लग गए हैं और मैं बहुत उत्साहित थी कि ऐसा क्या है इस पूजा पंडाल में कि इतनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे। और इस पंडाल के अंदर जाते ही डर के मारे मेरी हालत खराब हो गई। क्यों हो गई आप लोग आगे चल के देखिए और देखिए पतिदेव ने क्या दिखाया मुझे, क्या स्वागत कर रहा है हमारा देखिए यहाँ पे। तो चलिए अंदर, तो मैंने बस कैमरा ऑन रखा था और कुछ नहीं देख रही थी मैं, मेरी आंखें बंद थी। और इन बहुरूपियों को देखिए, अंदर सबको डरा रहे थे, बाहर आके डांस कर रहे थे। और देखिए बाहर पंडाल के बाहर खड़े होकर पोज भी दे रहे थे, फोटो भी खिंचवा रहे थे। अंदर तो बहुत डर गई थी मैं, बाहर फिर इन लोगों को देख के अच्छा लगा। वैसे तो दो तीन जगह और पूजा पंडाल हमने घूमा था, पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको सबसे लास्ट वाला जो हमारे घर के नज़दीक न्यू मार्केट हम लोग बोलते हैं वहाँ पे ये पूजा पंडाल है, वहाँ अंदर हम लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे माँ दुर्गा कैसे महिषासुर का संहार करती हैं उसका शो चल रहा है। अभी देखिए देवता आए हुए हैं, माँ दुर्गा से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप महिषासुर का संहार कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे माँ ने महिषासुर का संहार किया।